तो फ्रेंड्स, ये ओनर है जगह के और ये पूरे जो खड्डे खोद रहे हैं उनकी नपाई कर रहे हैं कि कितने फिट पे कौन सा खड्डा खोदना है और कितना गहरा खोदना है। और ये हमारी मशीन 2023 मॉडल JCB 3DX जो कि हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र जी, उनकी हैं और ये भी उदयपुर के ही वासी हैं, कल्यो का कूड़ा केसरपुरा एकलिंगपुरा चौराहे से सटा हुआ गांव है और ये मशीन उन्हीं की है जो यहाँ पर लगाई है आज हमने। और ये सामने की तरफ वही बैठे हैं, साइड चेक करने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 8 से 10 खड्डे हो चुके हैं और कुछ एक खड्डे और हैं जो कि ट्रैक्टर में लोड किए जाएंगे और ट्रैक्टर लगाया जाएगा यहाँ पर। ये देखिए पूरा सिस्टम, ये मशीन के स्टेबलाइजर हैं, पीछे की तरफ लोडर, ये शॉर्ट बकेट जिसकी 1 फीट ही चौड़ाई है और ये अधिकतर UAT के कामों में काम में आता है क्योंकि नालियाँ वाली जो भी छोटी लाइन पड़ती है उसमें ज़्यादा काम आता है। मिट्टी थी बकेट में फंस गई थी, उसको हटाया गया है और ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्टेबलाइजर ऊपर उठा लिए गए हैं और मशीन को पीछे धक्का दिया गया है और ये स्टेबलाइजर वापस लगा दिए गए हैं। समथिंग एक खड्डे पर 10 फीट का गैप रखा गया है। फ्रेंड्स, ट्रैक्टर को हमने कॉल कर दिया है और ट्रैक्टर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक ही ट्रैक्टर बुलाया गया है यहाँ पर जो साइड टू साइड चलता रहेगा और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जहाँ से हमने काली मिट्टी की खुदाई की थी वहीं पर ये वेस्टेज ले जाके डाला जाएगा। फ्रेंड्स, ये चालू हो गया है खड्डा नया। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड्स को जय श्री राम और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें मेरे चैनल पर। सभी को धन्यवाद, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश डांगी ब्लॉग। और आज मैं आपको लेके आया हूँ जो हमने मिट्टी डाली थी ट्रक के लिए वहाँ पर, और ये चारों तरफ ट्रक के खड्डे खोदे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ट्रक का एरिया है और ये मशीन जो ट्रक के लिए पाइप लग गए हैं लोहे के पाइप का खड्डे खोद रही है। ये एक खड्डा समथिंग 4.5 से 5 फीट हो रहा है। और इसमें छोटे बकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स,